बैठक में हिस्सा लेने के लिए योगेंद्र यादव भी पहुंचे। हमारे संवाददाता मुकेश मंडल ने उनसे भी खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ इस बातचीत को लेकर, रणनीतियों को लेकर जवाब दिया, अब ये आपको सुनवाते हैं। हमने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें 6 बकाया मुद्दों किया था। उन बकाया मुद्दों पे क्या प्रोग्रेस हुई है और उसकी रोशनी में अब हमें क्या करना चाहिए, उस पे आज फैसला होगा। सर, घर वापसी होगी या नहीं, आज कुछ सवाल निकलेगा सर, ये बात कोई एक व्यक्ति तय नहीं कर सकता। यही फैसला करने के लिए आज मीटिंग हुई है। 6 मुद्दों पर कितनी प्रोग्रेस हुई है, किस पे कितनी बातचीत हुई है, सबका ब्यौरा रखा जाएगा और उसके बाद सब लोग मिलके एक यूनाइटेड फैसला लेंगे। मैं एक बात आपको कह सकता हूं, जो आपने पूछा उस पे, हम सब एक साथ आए थे और एक साथ ही जाएंगे। हम 2-3 धड़ों में बट जाए, इसकी कोशिश पिछले एक साल से चल रही है। सरकार ने भी कर ली, सरकार के दरबारियों ने भी कर ली। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, एसकेएम ना बटा है ना बटेगा, एक साथ आए थे और फतेह करके एक साथ जाएंगे। बैठक है किसानों की, किसान मोर्चे की, इस बैठक में शामिल होने आए हैं। भाई, हम तो उम्मीद करते हैं कि सरकार उन बातें मानेगी और हम यहाँ से उठेंगे, तो उम्मीद तो बिल्कुल करते हैं। बाकी कितना उम्मीद पूरी हुई है उसकी रिपोर्ट यहाँ रखी जाएगी और उसके आधार पे फैसला किया जाएगा। सर, कल किसान नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले थे, सहमति नहीं बन पाई, 3 घंटे बैठक चली, उसमें कुछ अधिकारी को भी उन्होंने बुलाया था लेकिन फिर भी सहमति नहीं बनी, क्या वजह रही? उसका फैसला अभी आपके, उसकी रिपोर्ट रखी जाएगी। जितने भी साथी कल की मीटिंग में गए थे वो सब साथी आके यहाँ पे रिपोर्ट रखेंगे, उसके आधार पे फैसला लिया जाएगा। जा रहा है कि आज किसान घर जाने के मूड में नहीं है। अरे, किसान तो एक साल से घर जाने के मूड में है भैया, बस बातें मानी जाए। हमें सड़क पे बैठने का शौक थोड़ा ही है। राकेश टिकैत के बाद आपने देखा योगेंद्र यादव ये थे जो मीडिया से बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पे इन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा एक है, कोई अलग नहीं है। हालांकि इन्होंने कहा जो आज मुख्य जो मुद्दे हैं, जो 6 इनके मुख्य मांगे हैं, उन मांगों को लेकर ये चर्चा करने आए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि चर्चा में क्या कुछ निकल कर आता है। उसके बाद किसान नेताओं द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा जिसमें साफ तौर पर मीडिया के सामने अपनी बात रहेगी कि क्या कुछ मुद्दे को लेकर इनकी बातचीत हुई है।